गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पी ब्लॉक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने एस ब्लॉक तत्वों को पढ़ा था, जिसमें वर्ग संख्या एक वर्ग संख्या दो के तत्वों के भौतिक गुणधर्म, उनके रासायनिक गुणधर्म, उनका सामान्य परिचय को पढ़ा था। नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो है वो 11th चैप्टर है, जो पी ब्लॉक से संबंधित है। 11th के सिलेबस में पी ब्लॉक में हमारे पास दो वर्ग है, वर्ग संख्या 13 और वर्ग संख्या 14। वैसे पी ब्लॉक में वर्ग संख्या 13, 14, 15, 16, 17 और 18 वर्ग आते हैं, पर बाकी के जो 15, 16, 17, 18 वर्ग हैं वो 12th के सिलेबस में है। हमारे सिलेबस में वर्ग संख्या 13 और 14 हैं, जिनको हम उस टॉपिक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है पी ब्लॉक। इसमें हम सबसे पहले सामान्य परिचय को पढ़ेंगे। तो पी ब्लॉक तत्वों का सामान्य परिचय यदि मैं देखूँ, पी ब्लॉक तत्वों में पी ब्लॉक तत्व पी ब्लॉक तत्व बात करें परिभाषा की, तो वे तत्व जिनके भायतन कोष का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखा जाए तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो पी उपकोष में भरा जाए, तो हम उस तत्व को क्या कहेंगे, पी ब्लॉक तत्व। ठीक है, वे तत्व जिनके भायतन कोष का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष या पी कक्षक में भरा जाता है वो पी ब्लॉक का तत्व कहलाता है। तो जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो पी उपकोष में आता है, तो क्या कहलाएगा, पी ब्लॉक का तत्व। अंतिम इलेक्ट्रॉन चूंकि पी उपकोष में जा रहे हैं तो वर्ग संख्या 13 से 18 तक की, वर्ग संख्या 13 से 18 तक के तत्व जो है वो पी ब्लॉक तत्वों की श्रेणी में आते हैं। एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक तत्वों को एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक तत्वों को मिक्स में अपन क्या कहेंगे, इनका एक नाम है मुख्य वर्ग के तत्व, या फिर इनका एक स्पेशल नाम क्या है, इनको मुख्य वर्ग के तत्व भी कहते हैं। मतलब क्या हुआ, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तत्वों को मिलाकर अपन क्या कह सकते हैं, मुख्य वर्ग के तत्व या फिर प्रतिनिधि तत्व, रिप्रेजेंटेटिव निरूपक तत्व भी कह सकते हैं। पी ब्लॉक तत्व जो है उनमें हमारे सिलेबस में जो है वो वर्ग संख्या 13 है और वर्ग संख्या क्या है, 14 है। इनके कुछ स्पेशल नाम भी हैं। वर्ग संख्या 13 में पहला सदस्य जो है वो बोरोन आता है, इसलिए इसका नाम क्या निकाल दिया, बोरोन परिवार। तो वर्ग 13 को मैं क्या कह सकता हूं, बोरोन परिवार। और वर्ग 14 को मैं क्या कहूंगा, पहला सदस्य चूंकि कार्बन है तो इसको कहूंगा मैं कार्बन परिवार। पी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनके रासायनिक गुणों में अत्यधिक भिन्नता पाई जाती है। पी ब्लॉक के जो तत्व हैं वो सामान्यतया प्राय अधातु प्रकृति के हैं। प्राय कैसी प्रकृति के हैं, अधातु प्रकृति, प्राय जो है वो अधातु प्रकृति के होते हैं। वैसे पी ब्लॉक के तत्वों में लगभग सभी प्रकार की कैटेगरी उपलब्ध है, कुछ अधातु भी है, धातु भी है और उपधातु भी है, पर प्राय जो है वो तत्व कैसी प्रकृति के हैं, अधातु प्रकृति।
वैसे कुछ तत्व जो है वो धात्विक प्रकृति के भी हैं और कुछ तत्व जो है वो अधात्विक प्रकृति के भी हैं। देखा जाए तो प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम सदस्य है, प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम सदस्य है उसका परमाणु आकार इतना अधिक होता है कि धात्विक गुण जो है वो प्रदर्शित करने लगता है। इसलिए प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम सदस्य है वो धात्विक प्रकृति प्रदर्शित करता है। ये जो तत्व है इनके बाह्यतम कोश का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है पी लोक तत्वों का, जो क्या है सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पी लोक तत्वों का, वो है NH2, एस में दो इलेक्ट्रॉन और पी में वैरी होगा 1 से 6, 1 से 6 NP126। अब देखिए NP126 का मतलब क्या होगा, जब मैं बात करूं वर्ग संख्या 13 की, वर्ग संख्या 13, 14, 15, 16, 17 और 18, तो वर्ग संख्या 13 का कोई तत्व यदि मैं लूं, से कोई भी तत्व यदि मैं बात करूं, बोरोन की बात करूं, तो बोरोन आता है नंबर 5 पर, तो ये हो गया 1s2, 2s2, 2p1, 1s2, 2s2, 2p1। बोरोन के बाद नंबर आता है एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम आता है 13 नंबर पर, तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2, 3p1। तो आप बाह्यतम कोश का विन्यास जब देखेंगे तो बोरोन का विन्यास बाह्यतम कितना रहा है 2s2, 2p1, एल्यूमिनियम का आ रहा है 3s2, 3p1। तो मैं कॉमन क्या कह सकता हूं कि वर्ग 13 के तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो होगा NS2NP1। N की वैल्यू आप कहीं से भी चेंज कर सकते हैं। तो वर्ग 13 के तत्वों के बाह्यतम कोश का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो रहेगा N, तो S2, P क्या रहेगा 1। तो उसी तरह वर्ग 14 के तत्वों की बात करूं तो क्या कह सकता हूं NS2NP2। वर्ग 15 NS2NP3, वर्ग 16 NS2NP4, NS2NP5 और NS2NP6। अब ये हुआ वर्ग पी ब्लॉक के सभी वर्गों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मैं इन सबको मिला दूं, इन सबको मिलाकर मैं ये कहूं कि पी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो देखिए NH2 सभी में कॉमन है तो NH2, NP1 से लेकर 6 तक चेंज हो रहा है तो NP126। पी ब्लॉक तत्वों की एक खास बात देखिए, प्रत्येक वर्ग का जो प्रथम सदस्य है, वर्ग 13 से कितने तक बात करें या 18 तक, वर्ग 13 से किसकी बात करें 18 तक, तो वर्ग 13 से 18 तक कोई भी प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम तत्व है, प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम तत्व है वो धातु की तरह व्यवहार तो करता ही है। प्रथम जो तत्व है, प्रत्येक वर्ग का जो प्रथम सदस्य है, प्रत्येक वर्ग का जो क्या है प्रथम सदस्य है, वो अपने वर्ग के शेष तत्वों से, अपने वर्ग के शेष तत्वों से गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करता है, शेष तत्वों से गुण धर्मों में भिन्नता प्रदर्शित करता है, मतलब असंगत व्यवहार प्रदर्शित करता है, एबनॉर्मल बिहेवियर।
तो ये पी ब्लॉक तत्वों का सामान्य परिचय था। अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कोष में आता है, वर्ग संख्या 13 से 18 तक के तत्व आते हैं पी ब्लॉक में। एस ब्लॉक में पी ब्लॉक के तत्वों को मिक्स में क्या कह सकते हैं, मुख्य वर्ग के तत्व या निरूपक तत्व, प्रतिनिधि तत्व भी कह सकता हूं, प्रतिनिधि तत्व। और वर्ग संख्या 13 और 14 हमारे सिलेबस में है, तो वर्ग संख्या 13 को बोरोन परिवार, वर्ग संख्या 14 को कार्बन परिवार। प्राय अधातिक प्रकृति के होते हैं पी ब्लॉक वाले तत्व, लेकिन इनमें सभी वैरायटी है, कुछ तत्व धात्विक प्रकृति के भी हैं और कुछ क्या है अधातिक प्रकृति के भी हैं। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं तो विन्यास है NS2 NP1 2 6। ये हमने इस तरह से लिखा है कि वर्ग संख्या 13 से 18 तक का विन्यास लिखा, तो इन सबको मिलाकर जो विन्यास आया वो ये आया NS2 NP1 2 6। वर्ग 13 से लेकर 18 तक का प्रत्येक वर्ग का जो प्रथम सदस्य है वो अपने वर्ग के शेष तत्वों से गुणधर्मों में भिन्नता प्रदर्शित करता है। उसका रीजन क्या होगा, आकार छोटा, उच्च आयनिक ऊर्जा, उच्च विद्युत दृढ़ता। वर्ग संख्या 13 के तत्वों का नाम मैंने बताया आपको, कार्बन परिवार। वर्ग 14 का कार्बन परिवार, वर्ग 13 का बोरोन परिवार, वर्ग 15 का नाइट्रोजन परिवार, वर्ग 16 को ऑक्सीजन परिवार, वर्ग 17 को फ्लोरीन परिवार। और इनका तो और अच्छा नाम है, हेलोजन तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, हेलोजन तत्व कहते हैं। और वर्ग 16 के तत्व को चेलकोजन कहते हैं, अयस्क बनाने वाले तत्व। वर्ग 18 के भी कुछ स्पेशल नाम है, एक तो इनके बाह्यतम कोष का जो अष्टक विन्यास है वो पूरा भरा होता है, इसलिए इनको अक्रिय तत्व भी कहते हैं। वर्ग 18 के जो तत्व है वो अक्रिय तत्व कहलाते हैं, क्योंकि अष्टक विन्यास पूर्ण होता है, अक्रिय तत्व कहलाते हैं। ये उत्कृष्ट धातु सोना और प्लेटिनम की तरह जो क्या है वो अक्रिय है, इसलिए इनका उत्कृष्ट है, इसलिए क्या नाम हो गया, उत्कृष्ट गैस है। चूंकि ये उत्कृष्ट धातुओं की तरह अक्रिय है, इसलिए इनका नाम क्या रख दिया, उत्कृष्ट गैस है। या फिर इनका एक नाम और है, इनको शून्य वर्ग के तत्व भी कहा जाता है, शून्य वर्ग के तत्व उत्कृष्ट गैस और अक्रिय तत्व। अब हम स्पेशली वर्ग संख्या 13 के तत्वों को पढ़ेंगे। वर्ग संख्या 13 को मैंने बोरोन परिवार नाम दिया था, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। मैं बात करूं वर्ग संख्या 13 की, बोरोन परिवार। सबसे पहले इन तत्वों का नाम परमाणु क्रमांक और प्रतीक तथा बाह्यतम कोष का विन्यास, नाम परमाणु क्रमांक प्रतीक तथा बाह्यतम कोष का विन्यास। देखिए वर्ग संख्या 13 में जेड फिर इसका प्रतीक, फिर इसका नाम और इसके बाह्यतम कोष का विन्यास।
हीलियम। तो प्रतीक बाद में हमें दिए हैं, परमाणु क्रमांक बोरोन का कितना है, पांच। बोरोन का परमाणु क्रमांक पांच है, उसके बाद आपको आठ जोड़ना है तो एल्यूमिनियम 13, उसके बाद 18 जोड़ना है तो 31, फिर 18 जोड़ना है 49, और उसके बाद 32 जोड़ना है 81। तो स्टार्टिंग वाला है कि आपको परमाणु क्रमांक याद है, उसके बाद आपको 8, 18, 18 और 32 जोड़ने हैं। नाम में देखें तो सबसे पहले आ जाएगा बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। बायोटम कोष का विन्यास लिखूंगा ओनली मैं यहां पर, तो यह हो जाएगा 2s2 2p1। तो एल्यूमिनियम के बायोटम कोष का विन्यास क्या हो जाएगा, 3s2 3p1। गैलियम का हो जाएगा 4s2 4p1, 5s2 5p1 और 6s2 6p1। ये इसके नाम, प्रतीक और बायोटम कोष का क्या हो गया विन्यास। मैं बात करूं वर्ग संख्या 13 के बायोटम कोष के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास टोटल का, तो वर्ग संख्या 13 के जो तत्व है उनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं तो देखें एन की वैल्यू चेंज हो रही है, एस में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 तो NS2, और पी में 1 है तो NP1। तो विन्यास क्या हो गया NS2 NP1। उसके बाद इसमें बात करें हम उपलब्धता की, उपलब्धता की बात करें, स्रोत की बात करें, बात करें उपलब्धता की या सोर्स की बात करें कि प्रकृति में वर्ग 13 के तत्वों की उपलब्धता कितनी है, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि वर्ग 13 के जो तत्व हैं उनका जो प्रथम मेंबर है जिसको मैं बोरोन कहूं, बोरोन जो है वो एक दुर्लभ तत्व है। बोरोन एक क्या है, दुर्लभ तत्व है जो मुख्यतया ऑर्थोबोरिकम या बोरेक्स के रूप में पाया जाता है। उपलब्धता की बात करें तो जो बोरोन है वो एक दुर्लभ तत्व है, मुख्यतया ऑर्थोबोरिकम व बोरेक्स के रूप में पाया जाता है, और ऑक्सीजन जो है वो सिलिकॉन, एल्यूमिनियम जो है वो भूपरपटी पर, धरातल पर एल्यूमिनियम भूपरपटी पर तीसरा सर्वाधिक तत्व है, तीसरा क्या है सर्वाधिक तत्व है, धरातल पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है वो ऑक्सीजन है लगभग 45%, उसके बाद 27% जो है वो सिलिकन है। तो ऑक्सीजन के बाद और सिलिकन के बाद एल्यूमिनियम जो है वो भू प्रपटी पर पाया जाने वाला तीसरा सर्वाधिक तत्व है। एल्यूमिनियम जो है वो इसका मुख्य जो अयस्क है वो एल्यूमिनियम के जो अयस्क है वो मुख्यतः अयस्क बॉक्साइट है, बॉक्साइट इसका जो है वो मुख्य अयस्क है,
क्रायोलाइट भी है, तो उपलब्धता की बात करें अगर तेरे के तत्वों की, तो बोरोन एक दुर्लभ तत्व है जो मुख्यतः ऑर्थोबोरिक अणु में बोरेक्स के रूप में पाया जाता है। एल्यूमिनियम जो है वो भूपटी पर पाया जाने वाला तीसरा सर्वाधिक तत्व है। बच गए कौन? गैलियम, इंडियम और थेरियम। ये प्रकृति में जो है बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसके बाद वर्ग संख्या 13 के तत्वों के नाम उनके भाइधम कोश के विन्यास के बाद हमारा नया टॉपिक है कि वर्ग 13 के तत्वों के भौतिक गुणधर्म किस प्रकार आवर्त व वर्ग में परिवर्तित होते हैं। तो सबसे पहले बात करूं मैं परमाणु त्रिज्या की या परमाणु आकार की। वर्ग 13 के तत्वों का आकार जो है वो वर्ग में टॉप टू बॉटम जाने पर आकार जो है वो प्राय क्या होता है? बढ़ता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार जो है वो बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? ये हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या इतनी बढ़ती है कि हर बार एक नया कोश बढ़ता है, और कोश बढ़ेगा तो भायतम कोश व नाभिक के मध्य की दूरी बढ़ेगी, और भायतम कोश व नाभिक के मध्य की दूरी बढ़ेगी तो परमाणु की त्रिज्या बढ़ेगी, परमाणु आकार बढ़ेगा। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के परमाणु आकार में सामान्यतया वृद्धि होती है। यहाँ भी ऐसा ही है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेरियम। बोरॉन से बड़ा कौन है? एल्यूमिनियम। पर एल्यूमिनियम से छोटा कौन है? गैलियम। एक प्रकार का अपवाद आया कौन? गैलियम, जिसका परमाणु आकार एल्यूमिनियम से बड़ा होना चाहिए लेकिन क्या है? छोटा। और गैलियम से बड़ा इंडियम, इंडियम से बड़ा क्या हो गया? थेरियम। ये अपवाद क्यों है? देखिए बोरोन आता है पांच नंबर पर, पांच इलेक्ट्रॉन है। एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन है 13, गैलियम इलेक्ट्रॉन है 31, ठीक है। तो गैलियम से जो पहले है वो पहले बी ब्लॉक के तत्व आ गए, संक्रमण तत्व, और वो भी कौन सी श्रेणी के? 3d श्रेणी के। कितने तत्व आ गए? 10। गैलियम का परमाणु क्रमांक कितना हुआ? गैलियम का परमाणु क्रमांक हुआ 31, और 3d श्रेणी स्टार्ट होती है स्कैंडियम 21 से लेकर के जिंक 30 तक। तो इस गैलियम से पहले 3d श्रेणी संक्रमण तत्व आ जाते हैं जिनके d कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो आंतरिक d कक्षकों में होते हैं, तो दुर्बल परिरक्षण प्रभाव डालते हैं, मतलब अधिक क्या प्रदर्शित करते हैं? प्रभावी नाभिक आवेश। तो संक्रमण तत्व आए जो 10, उनके 3d कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या बढ़ा देते हैं? वो बढ़ा देते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। क्या बढ़ा देते हैं? प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ा देते हैं। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो गैलियम में जो नाभिक है वो भायतम कोश के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो आकार में क्या आएगी? कमी। इसलिए अपवाद रूप से गैलियम की परमाणु त्रिज्या एल्यूमिनियम से क्या होती है? कम होती है। शेष तत्वों में वही गुण लगेगा, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर उनके परमाणु आकार में क्या होगी? वृद्धि होगी। जब परमाणु आकार में इस तरह का विचरण है तो आपको पता है एक संबंध आपने पढ़ा होगा, मैं दूसरे गुणधर्म की बात करूं, आयनन ऊर्जा की। तो एक संबंध आपने पढ़ा होगा, आयनन ऊर्जा जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है परमाणु आकार की। ये संबंध आपने पढ़ा होगा कि परमाणु आकार जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उतनी एनर्जी कम लगानी पड़ेगी। बोरोन से बड़ा कौन है? एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम की आयन ऊर्जा का मान कम है किससे? बोरोन से। परंतु एल्यूमिनियम
से छोटा कौन है? गैलियम। इसलिए गैलियम की आयन ऊर्जा जो है वो एल्यूमिनियम से अधिक होती है, क्यों? उसका आकार छोटा होता है गैलियम का। ठीक है, तो यही अपवाद किसमें रह जाएगा? आयन ऊर्जा में रह जाएगा। या आकार में और भी डिस्कस कर सकते हैं कि वर्ग दो के तत्वों का आकार, वर्ग दो के तत्वों का जो आकार है वो वर्ग संख्या 13 के संगत तत्वों से बड़ा होता है। वर्ग दो के तत्वों का जो आकार है वो वर्ग 13 के संगत तत्वों से क्या होता है? बड़ा होता है। उसका रीजन क्या है कि वर्ग दो के तत्वों में, वर्ग दो के तत्वों में कौन कौन थे? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और बेरियम। वर्ग 13 में कौन है? तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम। अब देखो बीच में तत्व आ गए सब, ये गैलियम 31 आ गए, इंडियम और ठीक है। अब बात ये है कि बेरिलियम बड़ा कि बोरोन, तो आकार में बड़े कौन हैं? वर्ग दो के तत्वों का जो आकार है वो वर्ग 13 के संगत तत्वों से बड़ा क्यों होता है? क्योंकि वर्ग 13 में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो पी उपकोष में आता है और एस और पी जो है वो एक ही कोष के होते हैं, तो प्रभावी नाभिक के आवेश में क्या होती है? वृद्धि होती है। प्रभावी नाभिक के आवेश में वृद्धि होगी तो आकार में क्या आएगी? कमी। इसलिए आकार की जहां तक बात करें तो वर्ग 13 के तत्वों का जो आकार है वो वर्ग 2 के तत्वों से जो है वो कम होता है। तो वर्ग 2 में तो एस अंतिम इलेक्ट्रॉन है, वर्ग 13 में किसमें है? दोनों क्या एक ही कोष के। इसलिए ये प्रश्न का जो आंसर है वो इस तरह होगा। तो ये वर्ग संख्या 13 में हमने आज इन तत्वों के नाम, प्रतीक, परमाणु क्रमांक, भायतन कोष का सामान्य कुंडली विन्यास पढ़ा, परमाणु आकार की चर्चा करी जिसमें हमने बताया कि गैलियम का जो परमाणु आकार है वो अपवाद स्वरूप से एल्यूमिनियम से क्या होता है? छोटा होता है। उसी के अकॉर्डिंग हमने आयन ऊर्जा को पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम इन वर्ग के तत्वों के गलनांक, क्वथनांक, इनकी रासायनिक क्रियाशीलता के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।